हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपका ही एक क्वेरी सॉल्व करेंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे क्वेश्चन किया कि सर, मैं उस कंपनी में गया तो वहां पे रिटन टेस्ट क्या पूछ सकते हैं, इस कंपनी में गया तो यहाँ पे रिटन टेस्ट क्या पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैं अलग अलग बताने से अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि अगर किसी कंपनी में जा रहे हो, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एमएनसी में जा रहे हो तो एमएनसी हमेशा प्रीफर करती है कि एक रिटन टेस्ट जरूर लेती है। ना केवल एमएनसी, मिड लेवल की जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो भी रिटन टेस्ट फॉलो करती हैं। तो रिटन टेस्ट से क्या होता है कि अगर उसमें जो अच्छे लोग हैं वो क्रीम बाहर निकल के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है। इसलिए अच्छे लोगों को चुनने के लिए उन्होंने रिटन टेस्ट का प्रोग्राम जरूर सेट किया है। दोस्तों, वहां पे पूछ क्या सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर है मान लीजिए, तो स्ट्रक्चर में क्लियर होगा, आपको पहले पता होना चाहिए आरसीसी या स्टील। तो दोस्तों, इस वीडियो में यानी पार्ट वन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आरसीसी होगा तो क्या पूछ सकते हैं, और पार्ट टू में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि स्टील होगा तो क्या पूछ सकते हैं। दोनों एक एक करके वीडियो आपके पास आने वाली है। आज आरसीसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आरसीसी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरसीसी का एडवांटेज क्या है और आरसीसी का डिसएडवांटेज क्या है। अभी पीछे हमने वीडियो भी बनाया था जिसमें आरसीसी और स्टील का एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किया था। दूसरी चीज आपको पूछ सकते हैं अबाउट बीबीएस। बार बेंडिंग शेड्यूल से बहुत से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, एनालिटिकल बेस पे भी और नॉर्मल थ्योरी बेस पे भी। पूछ सकते हैं कटिंग लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं, पूछ सकते हैं कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में कैपिंग क्यों छोड़ते हैं, पूछ सकते हैं कि स्लैब में ओपनिंग अगर रखेंगे तो वहां पे रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, वहां पे बीबीएस में आपसे पूछ सकते हैं कि क्रैंक लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रैंक लेंथ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोड को ट्रांसफर करने के लिए कटिंग लेंथ को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एलबीडी यानी अलाउबल लेंथ हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, एलडी से, 0.87 FY4 tau BD, इसका जो फॉर्मूला है, या कुछ लोग डायरेक्ट 40D से कैलकुलेट करते हैं LD, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, LD को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब आ सकते हैं आपसे मैनुअल पे। दोस्तों, मैक्सिमम कंपनियां ऑब्जेक्टिव या छोटे छोटे क्वेश्चन कट करके बनाती हैं, तो वो आपसे सीधे नहीं पूछेंगे कि पूरा डिजाइन करके दिखाओ। वो आपसे बोलेंगे कि हम जब डिजाइन करते हैं तो उसमें स्लैब का डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया भी है और आपको पता भी होना चाहिए कि शॉर्टर स्पैन बाय बेसिक वॉल्यूम टू मॉडिफिकेशन फैक्टर, जो आपका पता होना चाहिए आपको कि अगर हमारे पास बेसिक वैल्यू कैंटिलीवर स्लैब है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, 7 लेते हैं, और जो अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है तो वहां पर 20 लेते हैं, और कंटिन्यूअस स्लैब के लिए 26 लेते हैं। तो ये आपको क्लियर समझना पड़ेगा कि जैसे उसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर, उसके लिए ग्राफ है आपके पास, तो ग्राफ से हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन फैक्टर लाते हैं, और शॉर्ट स्पैन आपको पता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है स्पैन बाय 250 नॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए, स्पैन बाय 350 वेरिएशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए, इससे क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपका वो बेसिक टेस्ट करते हैं, व्हाट इज श्रिंकेज, व्हाट इज क्रीप, ये सब मैंने डिस्कस किया तो मैं इसके बारे में रिलेट नहीं करूंगा, और आपको ही पता होना चाहिए व्हाट इज श्रिंकेज, व्हाट इज क्रीप, व्हाट इज ब्लीडिंग, व्हाट इज क्यूरिंग। और कभी कभी पूछ लेते हैं स्लंप, जो टेस्ट करते हैं हम लोग स्लंप टेस्ट का, जो उसकी हाइट होती है, उसकी हाइट क्या होती है, आप सबको पता होगा 300 mm, उसका ऊपर का जो विड्थ होता है वो कितना होता है, नीचे का विड्थ कितना होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कुछ जरूर पूछते हैं हम लोग। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं जोन 3 का वैल्यू, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कौन से जोन की बात करें, अरे भाई सेस्मिक जोन, इंडिया में 4 सेस्मिक जोन है, जोन 2, 3, 4, 5, जोन 2 का फैक्टर क्या है 0.10, जोन 3 का क्या है 0.16, जोन 4 का क्या है 0.24, जोन 5 का क्या है 0.36, तो इसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बेसिक वैल्यू,
आज मैं पूछ रहा था एक बच्चे से कि आप बताइए यहाँ का बेसिक विंड स्पीड क्या है, तो उसने बोला 39। अहमदाबाद का मैंने पूछा था, उसने बोला 39। मैंने बोला यूनिट, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा लोग यूनिट में ही फंसते हैं। तो उसने बोला किलोमीटर पर सेकेंड। मैं कहा इतना तेज चलेगा अगर तो तुमको उड़ा ले जाएगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी है? तो बाद में मैंने उसको बताया मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट होता है। अब दोस्तों आप कहीं पढ़ लेते हो 39 मीटर पर सेकेंड बेसिक विंड स्पीड, आपको ये नहीं पता होता है वो कितने हाइट के लिए होता है। वो 10 मीटर तक के, अप टू 10 मीटर्स हाइट तक के ये बेसिक विंड स्पीड होता है। अगर 12 मीटर की बिल्डिंग है या उसके ऊपर की बिल्डिंग है तो आपको उसका कैलकुलेट करना पड़ता है 0.6 VZ स्क्वायर। VZ इक्वल टू VV K1 K2 K3। मैंने बहुत ही ज्यादा लेवल पे एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, वहां से क्वेश्चन रिटन में आता है। सो प्लीज पढ़ लेना कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम में क्या पूछ सकते हैं, क्या होता है यूनिएक्सियल, क्या होता है बाईएक्सियल, क्या होता है एक्सियल लोडिंग, क्या होता है इसेंट्रिक लोडिंग, इसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करेंगे आपके साथ, पूछेंगे आपसे कंपोजिट कॉलम कहाँ पे यूज करते हैं। हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए, वाटर स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग कंपोजिट कॉलम यूज करते हैं। तो कंपोजिट कॉलम क्यों यूज करते हैं, सर्कुलर ज्यादा स्ट्रांग होता है या रेक्टेंगुलर होता है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। काफी लोगों ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा है ऐसे, मतलब क्वेरीज में ही आप पूछते हो, तो मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि अगर वाटर स्ट्रक्चर है तो सर्कुलर इज मोर बेटर, और अगर आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली हम लोग रेक्टेंगुलर को प्रीफर करते हैं। तो इससे क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा डिफ्लेक्शन निकालना जरूर सीख लेना, डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा IS कोड के नेम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि ये IS कोड, ये रिटन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा कोड यूज करते हैं इसके लिए, प्री स्ट्रेस के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं IS 1343। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग प्रीकास्ट कैसे करते हैं, उसमें टेंडेंस डालते हैं, टेंडेंस का क्या डाया होता है, कितने टेंडेंस डालते हैं, प्री टेंशन क्या होता है, पोस्ट टेंशन क्या होता है, 1 वे स्लैब में डिफरेंस और 2 वे स्लैब में डिफरेंस क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डिफ्लेक्शन निकाला तो कौन से मेथड से सीखा, स्लोप और मोमेंट दोनों मेथड से आपको सीखना पड़ेगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, इससे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। पीछे कुछ लोग गए थे जैसे कि मैंने सुना रोहन कंस्ट्रक्शन में, ऐसे कई ढेर सारी कंपनियों में गए थे लोग, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ऐसे इस तरीके के, तो मैं वही रिप्लाई आपको दे रहा हूँ जो क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीम के बारे में, सिंगली बीम कहाँ यूज करते हैं, डबली बीम कहाँ यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये पता चल गया कि जहां पे डेप्थ कम हमको रखना है वहां पर डब्ल्यू यूज करते हैं और ज्यादा लोड को बियर करता है डब्ल्यू। उसका डेप्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका विड्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए भी आपको मैंने बताया हुआ वीडियो में, तो मैं आप यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे से मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाता है कॉलम का साइज मिनिमम कितना रखना चाहिए हमको, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई 9 इंच बाई 1 फीट कर देता है, कोई कुछ कर देता है, इसको भी हमको पढ़ने की जरूरत है कि कॉलम का साइज हमको कैसे डिसाइड करना है, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी ब्रीफ में डिस्कस कर चुका हूं, ब्रिक का लोड कैसे निकालते हैं, स्लैब का लोड कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंपोनेंट्स के बारे में पूछे जाते हैं, लाइक आपको पता है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, सैंड का साइज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एग्रीगेट के टाइप्स क्या होते हैं, कितने ग्रेड का यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, M20 का ही ग्रेड और F25 का ग्रेड क्यों यूज करते हैं, इसके रीजंस पूछे जाते हैं आपसे। इनका मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स लगते हैं, सिलिका लगता है तो कितने परसेंट लगता है, 60 to 65, या फिर अगर सॉरी लाइम लगता है 60 to 65, सिलिका लगता है 70 to 25%, वहां पर जिप्सम क्यों यूज करते हो, CaSO4 × 2H2O, इनका फॉर्मूला क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। दोस्तों इस तरीके के बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं, बट इस पार्ट 1 में मैं आपको इतना ही टॉपिक देता हूं, क्योंकि इससे बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी लगेगा सर कितना ज्यादा टॉपिक्स बता दिए, क्या क्या पढ़ूं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत से रिटेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन और इसकी का पार्ट बनाऊं और इसमें मैं आपको और ज्यादा एविलेट करके बता पाऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं इनका आंसर भी आपको देता जाऊं, क्योंकि देखो यार आंसर दूंगा ना तो केवल 3-4 क्वेश्चन ही एक वीडियो में हो पाएंगे, अगर आप चाहते हो कि आंसर भी देता जाऊं तो बता देना, हम उसके लिए भी वीडियोस तैयार करेंगे और आंसर के साथ थोड़ा और मजा आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए आप उसके बारे में जरूर बताओ। आप किसी कंपनी में गए थे तो आपसे वहां पे क्या पूछा गया था उसने, या कौन कौन से क्वेश्चन कमेंट किए आप बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आप नहीं बता पाए,
नहीं बता पाए तो हम उनको नोट करेंगे और हम अपने वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच 5000 क्रॉस कराने के लिए। लोग बोलते थे एजुकेशन मत बनाओ, कोई भी एजुकेशन नहीं देखना चाहता है। हमने कहा अगर सच्चे दिल से करेंगे तो सब हमारा साथ देंगे, और आप सबने साथ दे के दिखाया कि एजुकेशन चैनल को भी महज 3-4 महीने में आप लोगों ने 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवाया, और वो दिन दूर नहीं कि हम 10000 भी क्रॉस करेंगे। और आप लोगों अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मैं ऐसे ऐसे चीजें आपको फ्री में देता रहूंगा कि जिसके लिए आप महंगी रकम पे करते हो किसी कोचिंग संस्थान में। हमारा यही उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, और साथ ही साथ जो हमारे पास है हम आपको शेयर कर सके नॉलेज, और जो आपके पास है वो भी हमें आना चाहिए। तो आप हमारे ईमेल आईडी पे कुछ भी आपके पास स्टडी मटेरियल है जो लगता है कि सर को इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए तो प्लीज भेजिए, जिससे हम आपकी बात को दो लोगों तक पहुंचा सकें। हमेशा याद रखिएगा आप नॉलेज शेयर करेंगे तो बढ़ेगा, कभी भी घटेगा नहीं। और मैं जितना भी अपना नॉलेज शेयर करता हूँ उसका 10 गुना ज्यादा मुझे खुद से पढ़ने की चेष्टा होती है, और मैं पढ़ता हूँ और आप तक फिर से लेके आता हूँ। और चैनल का इतना जल्दी जल्दी से लोगों तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच जो लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं मेरे लिए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, मोटिवेट मैं बहुत हो रहा हूं, और मैं सच्चे दिल से कर रहा हूं तो सक्सेस तो मिलेगी। आपको भी यही कहना चाहूंगा, जो कर रहे हो ना इतने दिल से करना ना, इसमें उसमें 4 इंच का स्क्रीन ना सिर्फ पढ़ने के लिए आए, उसके अलावा उसके नौकर मत बनना। यानी मैं हमेशा बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि मोबाइल से दूर रहना, नहीं तो आपकी जिंदगी खतरे में बहुत जल्दी पड़ जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।